हेलो एवरीवन वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस दिस इज़ योर क्लास ऑफ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस इस करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को द हिंदू के भी डेली एडिशन को कौन सा एडिशन को यूज़ करते हैं डेली एडिशन को यूज़ करते हैं सेंट्रलाइज्ड एडिशन है नॉर्थ इंडिया के अंदर और हमारी कैपिटल भी है इस एडिशन का कोई खास फायदा या नुकसान नहीं है किसी एक एडिशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा इसलिए हम लोग सेंट्रलाइज्ड एडिशन को यूज़ करते हैं ध्यान रखें और बेफिक्र रहें कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिशन की वजह से चेंज नहीं होती है रीजनल न्यूज़ या फिर सिटी बेस्ड जो न्यूज़ है वही सिर्फ और सिर्फ एडिशन की वजह से चेंज होती है अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बाकी एडिशन के अंदर नहीं आती है तो भी चिंता ना करें या बाकी एडिशन के अंदर कोई न्यूज़ अगर ऐसी है जो कि स्टेट लेवल की है या फिर रीजनल लेवल की है तो ऐसे में भी आप चिंता ना करें जब वो स्टेट लेवल की होगी तभी जाके इंपॉर्टेंट होगी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ होनी ज़रूरी है हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स भी लेते हैं जो आपके लीगल करंट अफेयर्स को भी कवर करता है और आपके जनरल करंट अफेयर्स को भी कवर करता है साथ ही साथ कुछ स्टैटिक जीके का टेकअवेज भी हम लोग लेके जाते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के इस आ, सेशन को इस सेशन में दस बजे हम लोग डेली मिलते हैं गुड मॉर्निंग एवरी शिविका जी प्रभाष जी राज जी और मानवी जी चलिए हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे कई बार क्या होता है ना न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है एम के लिए टाइम नहीं मिल पाता है तो उस टाइम नहीं हो पाता है बाकी आप चिंता मत करें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना वो सारी की सारी कवर होगी और सारे एम भी जो वन लाइनर्स है ना वो भी कवर होंगे छूटेगा कुछ भी नहीं हमारी तरफ से तो ये रहेगा अभिनंदन जी नमस्ते नमस्ते जय श्री गणेश जय श्री गणेश आज गणेश चतुर्थी है आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं तो गणेश जी का नाम लेके आज थर्टी अगस्त 2022 की न्यूज़ को शुरू करते हैं कुछ ऐसा दिखता है आपका पेपर आज का डेली एडिशन की बात कर रहे हैं कुछ ऐसा आज का आपका पेपर दिखता है अगर आप ऊपर ऊपर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है सारी पॉलिटिकल टाइप की सी न्यूज जो है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम आने से आप बह मत जाइएगा कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट का आया है तो पढ़ना जरूरी सर ने बोला था जहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लॉ वगैरह ऐसे वर्ड आते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए पर ये पॉलिटिकल साइड में न्यूज है बहुत लंबा ऐसा कोई कुछ यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा है बाकी इसमें फ्रंट पेज पे ही कुछ न्यूज जो है वो हमें दिख रही है क्या है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीट एन एच आर सी एनसीड्ल्यू इन पर्सनल लॉ सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या है ना कि एक बंच ऑफ केसेस पहुंचे बंच ऑफ केसेस मतलब कुछ केसेस ऐसे थे जो पर्सनल लॉ के साथ में डील कर रहे थे तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे ना तो अभी आपको पता होगा कि जस्टिस यू यू ललित जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं फोर्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने का उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर काम करेंगे तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बनाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है फाइव और मोर जजेस की होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर हम लोग बात करें तो फाइव और मोर जजेस इसके अंदर होने चाहिए पहले भी हम लोगों ने देख लिया था बेंच का मतलब क्या होता है बेंच जो है वो जजेस को डिनोट करती है किसको डिनोट करती है जजेस को डिनोट करती है और इसी की तरह एक बार होता है बार किसको लॉयर्स को या फिर एडवोकेट्स को डिनोट करता है तो ये टर्मिनोलॉजी आपके पास में होनी चाहिए गुड मॉर्निंग गौतम जी गुड मॉर्निंग शिवांगी जी हां जी चलिए गौतम जी की शायद ये फर्स्ट क्लास है गौतम जी को पहली बार मैं देख रहा हूं यहां पे आपका स्वागत है चलिए एनएचआरसी क्या है यहां पे एनएचआरसी है नेशनल राइट कमीशन सिमिलर एक और कमीशन है इसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और एक कमीशन की बात की है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की यहां पर बात की गई है इन तीनों को साथ ही साथ जोड़ा गया है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रसेज हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रसेज हैं उनसे रिलेटेड जो भी आ, पिटीशन आई है उसके अंदर अब पिटीशन किस चीज पे आई है ये हम लोग जान लेते हैं पिटिशन किस चीज पे आई है ये आई है एक तो पॉलीगेमी के ऊपर पॉलीगेमी के ऊपर और एक हलाला ये दो चीजों को डिस्कस करेंगे अभी डिस्कस हुआ नहीं है अभी तो साथ ही साथ इनको जोड़ने की बात की गई है एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी को जोड़ने की बात की गई है अभी तक कुछ भी डिसाइड यहां पे हुआ नहीं है तो समझ लेते हैं सबसे पहले पॉलीगेमी क्या होता है पॉलीगेमी क्या होता है अगर एक से ज्यादा स्पाउस हो अगर एक से ज्यादा स्पाउस हो अगर एक स्पाउस हो मतलब एक लड़की है तो उसका एक हस्बैंड अगर लड़का है तो उसकी एक वाइफ अगर एक स्पाउस हो तो ये होता है मोनोगेमी दो स्पाउस हो तो ये होता है दो अगर शादी कर लेता है कोई तो ये हो जाता है बाईगेमी दो से ज्यादा अगर कोई शादी करता है तो ये हो जाता है पॉलीगेमी तो आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर अप टू फोर वाइफ्स जो है एक पर्टिकुलर हस्बैंड की हो सकती है तो इसके ऊपर डिसाइड करना होगा कि क्या यहां पे पॉलीगेमी अलाउड है थोड़ा दिखने में तकलीफ हो रही होगी मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे क्या अलाउड है पॉलीगेमी इसके ऊपर चर्चा होगी और दूसरा हलाला क्या होता है कि एक बार अगर हस्बैंड जो है वाइफ को तलाक दे देता है उसके बाद में री अगर करनी होगी तो वाइफ जिसको तलाक दिया है तो जो डाइवोर्स वाइफ है उसे वापस से किसी और के साथ में मैरिज को कंज्यूम करवाना होगा देन उसके बाद में सेकंड पर्सन को तलाक देने के बाद में फर्स्ट अपने हस्बैंड के पास में वो वापस आ जाएगी तो इसके ऊपर अगर हमें देखना होगा तो हम लोग अलग से एक लंबा वीडियो देख सकते हैं या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ना लास्ट कुछ टाइम के अंदर दो चार सालों के अंदर कि लगभग लगभग सभी लोगों को हलाला का मतलब पता होगा हलाला एक जो टर्म है ये प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव टर्म है जैसे काफ़ी जो लोग होते हैं मैन ऑफ मोरल्स होते हैं तो उनको डराने के लिए उनके ऊपर एक ट्रिगर रखने के लिए कि देखो तुम गुस्से में आके तलाक मत दे देना वरना ये ये कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं तो हलाला जो इंट्रोड्यूस किया गया था मुस्लिम लॉ के अंदर ये बड़े ही पॉजिटिव नोट के अंदर किया गया था बट जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है तो इसके अंदर हम लोग हलाला के अंदर जो सेकेंड पर्सन का इंटरवेंशन है जो हलाला करवा रहा है उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उसको हटाना चाहते हैं इसलिए इसके ऊपर बात होगी तो इन दो चीजों के ऊपर बात होगी तो यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है कोई डेटा यहां पे नहीं दिया गया है ठीक है कोई भी खास डेटा जो है यहां पे नहीं दिया गया है और ये सारी चीजें कहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इसके सेक्शन टू के अंदर क्लियर ये सारी चीजें जो हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर दी गई है तो ये आप याद रख सकते हैं बाकी अगर याद नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक बार आर्टिकल को अच्छे से पढ़ें हम जान लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास में दो आ, एन एच आर सी और एनसी डब्ल्यू दो जो कमीशन हमारे पास में आए हैं इनके बारे में जान लेना ठीक है ठीक है रेड मार्कर से लिखिए चलिए रेड मार्कर इज गुड आई लाइक रेड मार्कर हाँ काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं देवेंद्र जी हैप्पी गणेश चतुर्थी गुड मॉर्निंग इट्स रविराज गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सूरज जी गुड मॉर्निंग यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करनी चाहिए अच्छा जो भी हो खैर वो सब पॉलिसी मेकर्स ही जाने रेड मार्क ठीक है चलिए बिल्कुल एनएचआरसी क्या है हमने पहले ही देखा नेशनल कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स काफ़ी अच्छा कमीशन है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है जो हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब्जेक्ट ऑफ स्टेट हैं उन सब की ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे ये प्रोटेक्ट करता है मोटो क्या है इसका सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे भवंतु सुखिना मतलब मे ऑल बी हैप्पी संस्कृत का श्लोक है सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया उसमें ही जो फर्स्ट लाइन है वो इस, इनका मोटो है कि हर कोई हैप्पी हो जाए हर कोई खुश हो जाए कब बना है ये ट्वेल्थ अक्टूबर 1993 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए और ये आपको याद भी कर लेना है ट्वेंटी एट पहले बना है चलिए ऑपरेशनल जरिस्डिक्शन क्या है इंडिया का कमीशन है तो इंडिया के अंदर ये हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर कहाँ है न्यू डेली के अंदर है अगर कोई डेली गया होगा डेली एम्स वगैरह गया होगा साउथ डेली के अंदर तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर है एग्जैक्ट क्या है फरीदकोट हाउस कॉपर्निक्स मार्ग न्यू डेली डबल वन ट्रिपल जीरो वन एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है अरुण कुमार मिश्रा हैं ये चेयरपर्सन है ए के मिश्रा या अरुण कुमार मिश्रा ये इसके चेयरपर्सन है इसके हेड है फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं काम क्या करती है एनएचआरसी जैसे हम लोगों ने बात किया कि फंडामेंटल फंडामेंटल को uh, को राइट्स प्रोटेक्ट करने का काम किसका है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का है तो बीच में एनएचआरसी कहां से आया एनएचआरसी का आखिर क्या काम है तो ये हम लोग एक बार देख लेते हैं साहिल साहिल जी और प्रकाश जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए प्रोएक्टिवली और रिएक्टिवली इंक्वायर इंटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिवली या फिर रीएक्टिवली या तो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट को देखेंगे कौन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट का वॉयलेशन करती है तो, तो इसके अंदर एक चीज याद करने की है स्टेट मस्ट बी अ पार्टी स्टेट मस्ट बी अ पार्टी अगर गवर्नमेंट की तरफ से फंडामेंटल राइट right का वायोलेशन हो रहा है तब देखा जाएगा और नेग्लिजेंस ऑफ सच वायोलेशन बाई अ पब्लिक सर्वेंट या तो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर गवर्नमेंट के ही किसी ऑफिशियल की तरफ से पब्लिक सर्वेंट की तरफ से ये वायलेशन होना चाहिए विवेक जी राम राम द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एंड रिकमेंड मेजर्स ये रिकमेंड करता है मेजर्स को भी फॉर देर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके इफेक्टिव uh, इंप्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंड करेगा ये मेजर्स को क्लियर है

जिसमें हमारा देश एग्री करता है कुछ ट्रीटी का नाम बताइए आईसीसीपीआर यूडीएचआर ये सब क्या क्या है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये सब क्या है कश्मीर में माइनॉरिटी का एनएचआरसी माइनॉरिटी का ह्यूमन राइट्स पूछ रहे होंगे आप शायद ओझा सर मोटिवेशन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स के फील्ड के अंदर रिसर्च करवाना टू विजिट जेल एंड स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स जो जेल के अंदर कैदी रह रहे हैं उनकी कंडीशन को देखना इंगेज इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अमोंग वेरियस सेक्शंस एजुकेशन अमोंग ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अमोंग वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रमोट अवेयरनेस ऑफ द सेफ गार्ड अवेलेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज राइट्स थ्रू पब्लिकेशन द मीडिया सेमिनार्स एंड अदर अवेलेबल मीन्स मतलब मीडिया सेमिनार इन सब के थ्रू क्या करना होगा कि आपको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एजुकेशन को प्रमोट करना होगा सोसाइटी के अंदर सोसाइटी वालों को बताना होगा कि आखिर ह्यूमन राइट होता क्या है ठीक है रविराज जी कह रहे हैं सर मैं अभी जे से बी कर लू अगर क्लैट में हो जाए सिलेक्शन तो वहां जाऊंगा हाँ कर सकते हैं ये आप सेफ साइड में रहने के लिए एक जगह पे एडमिशन ले लीजिए ध्यान रहे कि क्लैट की आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए अगर आपको लगता है कॉलेज की वजह से आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो सकती है तो उस साइड ना जाएं पर अगर आपको लगता है कि मैनेज किया जा सकता है अटेंडेंस वगैरह के साथ में थोड़ी सी मैनेजमेंट uh, आपको करनी पड़ेगी वो मैनेज किया जा सकता है तो बिल्कुल आप कॉलेज ज्वाइन करें ताकि आप सेफ साइड रहें कल को अगर किसी खराब दिन के कारण या फिर किसी भी कारण के वजह से अगर आपका क्लैट नहीं निकलता है तो आपके पास में कम से कम एक कॉन्टिन्यूस डिग्री तो रहेगी ठीक है गुड मॉर्निंग कृष्णा जी गुड मॉर्निंग अंजलि जी गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है जुड़ जाइए एनकरेज द एफोर्ट्स एफर्ट्स ऑफ एन जी ओ एंड इंस्टीट्यूशन डेट दैट वर्क इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट वॉलंटरी एनजीओ वगैरह जो काम करते हैं ना उनके एफर्ट्स को एनकरेज करना होगा क्यों क्योंकि वो आपके ही ह्यूमन राइट के लिए आवाज उठाते हैं ठीक है एक तो ये जो वर्ड uh, है ना एनजी ओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ड मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा लगता नहीं है क्यों नहीं लगता है इसका कारण है क्या कारण है ना कि किसी भी चीज़ को आप नॉन गवर्नमेंटल मैं भी तो एक नॉन गवर्नमेंट पर्सन हूँ तो क्या मुझे नॉन गवर्नमेंटल पर्सन कहा जाता है नहीं को काफ़ी सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं वो नॉन गवर्नमेंटल ही हैं गैर सरकारी ही हैं तो एनजी एक नाम अच्छा नहीं है बस यही है कि कोई अच्छा नाम नहीं मिल रहा तो शायद इन्होंने एन रख दिया और बहुत पॉपुलर भी हो गया एन जो वर्ड है ये बहुत पॉपुलर है पर मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर ये टर्म जो है ये अच्छा नहीं है जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आ, फीमेल है तो क्या आप उसे नॉन मेल कहेंगे कि वो ऐसा जेंडर जो कि मेल नहीं है नॉन मेल तो कितना ये डेरोगेटरी लगता है है ना तो फीमेल अलग होती है मेल अलग होता है प्राइवेट अलग होते हैं पब्लिक अलग होते हैं तो इसी तरह से कोई अलग से नाम होना चाहिए जैसे वॉलंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक अच्छा नाम है ठीक है बट एनजीओ जो है पर्टिकुलरली अच्छे नाम नहीं लगते हैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नाम सामने आया तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया चलिए कंसिडरिंग द नेसेसिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए उसे कंसिडर करना रिक्विज रिक्वेस्टनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयर ऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस जब भी क्या कहते हैं यहां पर इंक्वायरी होती है ना तो उन्हें कुछ कागजों की जरूरत पड़ती है तो वो कागज कोर्ट से मांगना कोर्ट से उन चीजों को लेना ताकि अपनी इंक्वायरी को वो अच्छे से कर सकें दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा एनसीडब्ल्यू ठीक है एनसीडब्ल्यू <coughs> के बारे में चार चीजें कब बना है और नाइनटीन और 1992 में एनसीडब्ल्यू बना क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है और कमीशन के एग्जीक्यूटिव ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाएगा अभी आपके करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से रेखा शर्मा नाम है क्या नाम है रेखा शर्मा ये चेयर पर्सन है क्लियर रेखा शर्मा चेयर पर्सन है ये नाम आपको याद रखना है ठीक है कश्मीर ह्यूमन राइट्स पर वीडियो बनाइए कश्मीर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप कह रहे हैं कुछ ऐसा न्यूज़ में आता है ना तो बिल्कुल वीडियो ला, लाया जा सकता है पर अभी ऐसा कुछ न्यूज में दिख नहीं रहा है इनफैक्ट कश्मीर के अंदर काफी और भी सारी चीजें हैं जो कि इंक्रीज हो रही है बढ़ रही है अच्छी हो रही है यस सर एन जेनरस भी नहीं होता है ये एनजीओ बिल्कुल बिल्कुल चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर चलते हैं अगला न्यूज क्या कहता है तेलंगाना टॉप्स इन्फ्लेशन चार्ट्स एट 8.32 परसेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इन्फ्लेशन क्या होता है हम में से काफी बच्चों को पता होगा इन्फ्लेशन क्या होता है जिन्हें नहीं पता है उन्हें शॉर्ट में छोटे से मैं एक चीज बताता हूं जैसे ये कोई टायर है ठीक है अगर इसके अंदर हम लोग हवा भरते हैं ये क्या है टायर है इसके अंदर एयर अगर डालते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा इसकी साइज बढ़ जाएगी तो ये क्या हो गया साइज क्या हो गई इन्फ्लेट कर गई साइज बढ़ गई तो यह इन्फ्लेट कर गया यही कहा जाता है इन्फ्लेट कर गया इन्फ्लेट कर गया का मतलब टायर तो उतना ही बड़ा था अब इसके अंदर चीज ज्यादा हो गई टायर तो उतना ही बड़ा था इसके अंदर हवा थोड़ी सी ज्यादा हो गई ठीक वैसे ही अगर ये हमारा एक पार्ले जी का बिस्किट है यह क्या है हमारा पार्ले जी छोड़ देते हैं यह अगर हमारा एक बिस्किट है अगर ये 2010 के अंदर पांच रुपए का आता था अब 2022 के अंदर ये दस रुपए का आने लगा तो इसका मतलब सेम बिस्किट सेम साइज इसका 100% परसेंट दाम जो है वो बढ़ गया इसका 100% परसेंट दाम बढ़ गया तो ये जो 100% परसेंट दाम बढ़ा है ना तो अब इस चीज को खरीदने के लिए जो पांच रुपए की जरूरत पड़ती थी पांच और पांच अब दस रुपए की जरूरत पड़ने लगी ठीक है जो पहले पांच का एक सिक्का काम में आता था अब पांच पांच के दो सिक्के काम में आते हैं इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू इन्फ्लेट कर गई है क्या कर गई है वैल्यू इन्फ्लेट कर गई है तो कुल मिला के जो महंगाई होती है ना महंगाई उसी को एक तरह से कहा जाता है कि ये इन्फ्लेशन है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं अब आइए इंडिया की बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है तेलंगाना टॉप्स इन्फ्लेशन चार्ट एट 8.32 परसेंट इन्फ्लेशन का एक जनरल रूल है इन्फ्लेशन जो है ना जनरली फोर प्लस माइनस टू परसेंट की होनी चाहिए इसका मतलब दो परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए और छह परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दो परसेंट से कम भी नहीं ऐसा नहीं कि 2010 में अगर पांच रुपए का मिलता था तो 2022 में पांच रुपए का मिले तो अच्छा है नहीं दो से छह परसेंट के बीच में फोर प्लस माइनस टू जो है ये हमारा आंकड़ा है ये अच्छा माना जाता है पर अभी जो इन्फ्लेशन है ना अभी जो इन्फ्लेशन है ये पे है है अभी जो इन्फ्लेशन ना इंडिया की ये सिक्स पॉइंट एट परसेंट पे है तो क्या हमारी हालत थोड़ी सी खराब है बिल्कुल जो हम अचीव करना चाहते हैं छह से कम रखना चाहते हैं छ से ज्यादा है तो ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है पर हमारे ही देश के अंदर जो नेशनल एवरेज है हमारे देश के देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है हमारे ही देश में जो नेशनल एवरेज है उससे ज्यादा भी काफी सारी स्टेट है जहां पे है तो अगर हम इस पर्टिकुलर इमेज की बात करते हैं तो ये कहता है जम्मू एंड कश्मीर विटनेस द रिटेल इन्फ्लेशन हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ सिक्स पॉइंट सेवन नाइन परसेंट थ्रू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मैप शोज एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट सेवन मंथ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देखिए राजस्थान में सेवन पॉइंट वन परसेंट दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में सेवन पॉइंट टू सेवन परसेंट दिखा रहा है मध्य प्रदेश में सेवन पॉइंट फाइव थ्री महाराष्ट्र में सेवन पॉइंट सेवन परसेंट और यही अगर हम लोग कुछ और स्टेट्स को देखते हैं तो यहां देखिए उड़ीसा के अंदर क्या कितना दिखा रहा है सिक्स पॉइंट फाइव सेवन कर्नाटका में दिखा रहा है फाइव पॉइंट एट फोर तमिलनाडु में दिखा रहा है फाइव पॉइंट जीरो टू केरला में दिखा रहा है फोर पॉइंट एट टू तो जो काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं ना जिसके अंदर इन्फ्लेशन सेवन परसेंट से भी ज्यादा है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कि नेशनल एवरेज से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये चीजें जो हैं यहाँ पे दी गई है अगर तेलंगाना ने टॉप किया है चार्ट को तो बाकी दो कौन कौन से हैं बाकी दो यहां पे नीचे लिखे हुए हैं वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है इनके 8.6 तेलंगाना का तो पता चल गया 8.32 है वेस्ट बंगाल के हैं 8.06 परसेंट इन्फ्लेशन और सिक्किम का है 8.1 सिक्किम का है 8.1 परसेंट इन्फ्लेशन मतलब काफी ज्यादा है यहां पे महंगाई की मार ना ज्यादा पड़ रही है ठीक है चलिए आई एम बैक चैनल बहुत बढ़िया आपका वापस से स्वागत है चलिए बिहार का कम है बिहार का वैसे कम है इन्फ्लेशन लोअर देन नेशनल एवरेज जो यहां पे दिया गया है ना तो 6.8 से तो कम है 6.8 से तो कम ही है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया और तो कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं यहां पे आप देख सकते हैं सबके क्या कहते हैं यहाँ पे नंबर से दिए गए हैं एक बार रीड करेंगे चाहेंगे तो आप लिख के रख सकते हैं बाकी टॉप फाइव ही आपके इंपॉर्टेंट हैं ठीक है सर प्लीज आस्क माई क्वेश्चन आंसर विच क्वेश्चन विच क्वेश्चन बच्चे ओझा सर मोटिवेशन अरे कोई मौलिक अधिकारों का, का उल्लंघन करता है तो क्या हम मौलिक अधिकारों को चेंज कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को मतलब फंडामेंटल राइट्स को इन जनरल जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता बट हां कुछ चीजें हैं जो जोड़ी जो जा सकती हैं जैसे ट्वेंटी वन ए जो है राइट टू एजुकेशन है हमने जोड़ा है पहले ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं था हमारा फंडामेंटल राइट right नहीं था बट हमने बाद में इसे जोड़ा है तो जोड़ा तो जा सकता है ठीक है स्ट्रगल बॉडीज आर के जी इन्फ्लेशन अभी मैंने जो यहां पर समझाया था ये वाला यही सेम इन्फ्लेशन है कि अगर ये सेम बिस्किट है अगर पहले पांच रुपए में आता था अब दस रुपए के अंदर आता है तो इसका मतलब महंगाई बढ़ी है तो महंगाई को ही एक तरह से इन्फ्लेशन कहा जाता है इसका हमने एग्जाम्पल देखा कि एक छोटा टायर है इसमें अगर हम लोग हवा भरते हैं तो यह क्या हो जाता है यह टायर बड़ा हो जाता है इसका मतलब इन्फ्लेट कर गया बड़ा हो गया तो जिस इस टायर के अंदर जो थोड़ी हवा थी अब ज्यादा हवा हो गई सेम टायर के अंदर इसी टायर को चलाने के लिए ज्यादा हवा आ गई है ठीक है चलिए तो ये कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है वन लाइनर के लिए चलिए नहीं नहीं एनएल जोधपुर से नहीं किया है मैंने एनएलयू पटना से किया सी एन एल यू चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी पटना ट्वेल्व टू सेवनटीन बैच रहा है सर पीडीएफ में एमसीक्यू दें बिल्कुल बिल्कुल एमसीक्यू रहता है जिस दिन हम लोग डिस्कस करते हैं उस दिन पीडीएफ में एमसीक्यू रहता है ठीक है ओके थैंक यू अंजलि जी थैंक यू सो मच डेली पुलिस फर्स्ट पोस्ट टू मेक फॉरेंसिक प्रॉब मैंडेटरी डेली पुलिस अब यहां पे देखिए पुलिस किसका सब्जेक्ट है पुलिस किसके अंदर आता है जैसे राजस्थान पुलिस होती है महाराष्ट्र पुलिस होती है बिहार पुलिस होती है यूपी पुलिस होती है ही दिल्ली पुलिस भी होती है पर ध्यान रहे दिल्ली पुलिस जो है ना वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है डेली पुलिस जो है ये डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है इसीलिए यहां पे आप देखेंगे अमित शाह जी बैठे हैं अमित शाह जी बैठे इन्होंने कहा कि छह साल देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है सिक्स इयर्स से ऊपर का अगर कोई ऑफेंस है ऐसा कोई ऑफेंस जिसके अंदर जो आपका इम्रिजनमेंट uh, है जेल टर्म है वो छह साल से ज्यादा का है तो फिर उस केस के अंदर फॉरेंसिक प्रॉब होना जरूरी रहेगा फॉरेंसिक का मतलब ये जो नहीं आते हैं फॉरेंसिक वाले फिंगरप्रिंट लेते हैं और बाकी क्या क्या चीजें आसपास हैं ब्लड सैंपल लेते हैं फोटोज वगैरह खींचते हैं पंचनामा करते हैं तो ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक जो आपने टी में देखा है वो मैंडेटरी कर दिया है पहले क्या होता था अभी तक क्या होता था जहाँ पर जरूरत होती थी ना वहां पे फॉरेंसिक वालों को बुलाया जाता था अब फॉरेंसिक जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है कहां पे? जब आपका जेल टर्म है वो छह साल से ज़्यादा का होगा उस केसेस के अंदर फॉरेंसिक जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस जो है, ये है।, तो, आप पूछा जा सकता है कि तो आपका आंसर होगा दिल्ली पुलिस और एक चीज दिल्ली पुलिस जो है ना दिल्ली पुलिस डायरेक्ट आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर में होम मिनिस्ट्री अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है अमित शाह इसीलिए यहां पर मीटिंग ले रहे हैं अमित शाह कुछ दिनों पहले दिल्ली डे, के पुलिस कमिश्नर भी चेंज हुए थे क्या नाम है उनका संजय अरोड़ा ये भी न्यूज हम लोगों ने देखा था संजय अरोड़ा तो ये याद रखेंगे यहां कहीं लिखा भी होगा हां देखिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा तो संजय अरोड़ा जी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं तो ये भी याद रखना है ये भी याद रखना है दो क्वेश्चन आपके यहां पर हो गए ठीक है ओके okay. कोशिश रहेगी पूरी की डेली हो जाए किसी किसी दिन न्यूज ज्यादा होती है ना तो नहीं हो पाता है बाकी कोशिश बिल्कुल रहेगी कि डेली आपको एमसीक्यू मिल जाया करे ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए कल्ला कुची केस अनादर कोर्ट जज रूल्स आउट रेप मर्डर चलिए कुछ दिन पहले अब कल्ला कुरिची वाला केस क्या है कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना कि आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के अंदर जो है प्राइवेट स्कूल की एक बच्ची है उसके मर जाने के कारण आग वगैरह लगा दी गई काफ़ी मतलब दंगे वंगे हुए काफ़ी सारी चीज़ें की गई और स्कूल के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको भी स्कूल बंद करने तक के लिए कहा गया ये काफ़ी जून के अंदर ये खासकर न्यूज़ में था जुलाई में तो उतना नहीं था जून में न्यूज़ में था उसके बाद में प्रोप वगैरह चालू हुई तो देखिए हुआ क्या था वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ हुआ क्या था एक आपके कला कुरिची के अंदर एक प्राइवेट स्कूल है प्राइवेट स्कूल के अंदर एक लड़की है लड़की ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने के बाद में डेथ नोट जो है वो लिखा था डेथ नोट मतलब सुसाइड नोट जो है वो वहाँ पे लिखा था सुसाइड नोट के अंदर उसने दो टीचर्स का नाम मेंशन किया था और उन दोनों टीचर्स का नाम मेंशन करते हुए उसने कहा था कि इन दो टीचर्स ने मुझे काफ़ी परेशान किया है पढ़ने के लिए मुझे इतना ज़्यादा फोर्स करते हैं कि अब मैं लाइफ से परेशान हो चुकी हूँ और मैं सुसाइड कर रही हूँ वहाँ के जो भी चौकीदार थे या फिर जो भी ऑफिस बॉय थे उन्हें ये लाश मिली और उन्होंने पुलिस के सॉरी uh, अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल का उन्हें इन्फॉर्म किया फिर पुलिस आई जब लोगों को यह पता पड़ा कि एक टीचर को टीचर की वजह से यहाँ पे एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली है सुसाइड कर लिया है तो काफी ज्यादा मतलब रोष प्रकट हुआ कॉलेज स्कूल uh, बंद करने के लिए भी कहा गया स्कूल बंद आखिर करवा ही दिया गया काफी आगजनी हुई बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में ये चीज डायरेक्ट आती है यहाँ पे केस हमारा हो जाता है सी बी आई डी ने वगैरह काफ़ी यहाँ पे किया है उसी से रिलेटेड है इसके अंदर अभी एज सच बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और मैंने देखा कि इसके अंदर डेटा वगैरह कुछ नया है नहीं वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि क्लास ट्वेल्थ की एक गर्ल थी प्राइवेट स्कूल के अंदर का मूर के अंदर अब देखिए इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा पांच क्वेश्चन बनने लायक है नहीं और कोई लॉ के रीड ओनली न्यूज है बहुत इसके अंदर नोट्स वगैरह आपके नहीं बनेंगे क्लियर है चलिए केरला पासिस बिल ऑन लोकायुक्त लोकायुक्त क्या होता है आपको याद होगा 2011-12 के अंदर अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए आंदोलन किया था भूख हड़ताल की थी लोकपाल क्या होता है कि वो एक तरह से ओम्बस होगा ओम्बस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैनेडा से आया है ओम्बस होगा जो भ्रष्टाचार होता है जो करप्शन होता है ना उसके खिलाफ अगर हमें कहीं शिकायत करनी होगी तो हम किसे करेंगे मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है करप्शन हो रहा है और डिपार्टमेंट को ही हम लोग कंप्लेंट करें तो कई बार क्या होता है ना डिपार्टमेंट वाले अपने डिपार्टमेंट वाले सब को बचाना चाहेंगे तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट जिससे हम एग्राइव्ड हैं उसी के खिलाफ कंप्लेंट करें तो हमें जो है वो न्याय मिल नहीं पाएगा तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है एक ओम्बस की जरूरत होती है जो कि उस डिपार्टमेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं होता है और करप्शन रिलेटेड जितने भी केसेज हैं वो आएंगे आपके ओम्बस के पास में लोकपाल के पास में और यही लोकपाल अगर स्टेट लेवल पर होगा तो लोकायुक्त होगा ये जो बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया केरला के अंदर वो लोगों को नहीं पसंद आया तो उन्होंने इस बिल को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद में वआउउट कर गए तो वही चीज यहां पे लिखा गया है कि केरला ने पास कर दिया बिल ऑन लोकायुक्त इतने सारे प्रोटेस्ट के बाद भी अब देखते हैं ये लोकायुक्त जो है है वो पास होता है या फिर जो भी होता है स्टेट न्यूज है वैसे बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं देखेंगे पर लोकायुक्त ऐसा टॉपिक ही है जो कि आपके आपको जानना चाहिए ठीक है आयुष जी टेलीग्राम पे पीडीएफ अवेलेबल है उत्कर्ष लॉ क्लासेस नाम का एक चैनल है उसी के ऊपर सारी पीडीएफ आपकी अवेलेबल रहती है सर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है दिल्ली ग... की गौ... दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कह सकते हैं होम मिनिस्ट्री करती है तो होम मिनिस्ट्री के पास में उनका पूरा कंट्रोल रहता है इसी को लेकर दो के अंदर अरविंद केजरीवाल सी बनने के बाद भी धरने पर बैठ गए थे उनका कहना था कि यहाँ पर ज़्यादा जो है वो हमें पावर नहीं दी गई है हमें हर चीज़ के लिए पूछना पड़ता है तो आज भी मतलब हु इज कल्लाकुरीची स्टेट कल्लाकुरीची जगह है ठीक है केरला के अंदर है चलिए तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा ये भी रीड ओनली है इसके अंदर बहुत कुछ निकल के आ नहीं रहा है ये स्पीकर्स वगैरह हैं ये मोरलेस इसके अंदर पॉलिटिकल ज्यादा न्यूज कवर हो रही है बट ये अपने आप में पॉलिटिकल है नहीं बिल है ठीक है तो ये जब पास हो जाएगा तो एक्ट हो जाएगा चलिए श्रीलंकन एयरलाइंस फिनिश्ड फर्स्ट फेज ऑफ एयर लिफ्टिंग एड यहां पे एड कौन सी है ये एड है हेल्थ रिलेटेड हेल्थ एम्यूनिटीज ठीक है दवाई वगैरह होती है ना ड्रग्स और ये सब ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल उसकी बात हो रही है तो श्रीलंका के अंदर आपको पता होगा कि क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गई है क्राइसिस कैसी इकोनॉमिक uh, क्राइसिस है पॉलिटिकल क्राइसिस है इमरजेंसी की सिचुएशन है बहुत महंगाई बढ़ रही है महंगाई अगर बढ़ जाती है तो पॉलिटिकल अनस्ट और सिविल अनडरेस्ट तो वैसे ही हो जाता है तो यहाँ पे हो गया है तो डेट ट्रैप के अंदर फंसे और इन्होंने अपना कबाड़ा कर लिया अब ये हेल्प मांगते हैं तो हेल्प करने के लिए सबसे पहले कौन जाता है इंडिया जाता है हमारा दोस्त है पास में ही रहता है नीचे ही रहता है नीचे वाले फ्लोर पे है हम लोग इसे बार बार जो चीनी कम है नमक कम है सब्जी कम है दाल कम है हम इसे पहुंचाते रहते हैं तो अब ये जो इनको कहा गया कि अब आओ हमारे पास में तो सामान रखा हुआ है आप लेके चले जाओ तो इन्होंने एड को एयरलिफ्ट कर दिया है एयरलिफ्ट कर दिया है मतलब अपना हवाई जहाज भेजा और सामान उठाया और वापस ये चले गए तो पहला जो फेज है उसको एयरलिफ्ट कर लिया गया है यही चीज यहां पे बताई गई है इंडिया काफी अच्छे से हेल्प कर रहा है और काफ़ी टाइम से हेल्प कर रहा है इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि इंडिया अभी के लिए हेल्प कर रहा है पहले भी हेल्प करता रहा है सारी चीज़ें हैं इनफैक्ट लिट्टे विट्टे के टाइम से पीस पीके, पीस कीपिंग फोर्सेज वगैरह भेजना ये सारी चीज़ें इंडिया जो है हमेशा श्रीलंका के लिए करता रहा है और जितना हम लोगों ने हेल्प किया है ना चाइना जो है वो रिवर्स uh, सेंटिमेंट जो है उल्टा सेंटिमेंट जो है वो इंडिया के खिलाफ यूज कर रहा है श्रीलंका के अंदर मतलब श्रीलंकन्स को ये बताना कि इंडियंस ने तुम्हारे ऊपर कई बार आक्रमण किया है इंडिया के अंदर फोक टेल्स हैं रामायण की बात करते हुए इंडिया के अंदर फोक टेल्स है जो कि तुम्हारे राजा जो कि रावण था उसको विलन बताया है इंडियन फोक टेल्स के अंदर तो इंडियंस आर बेसिकली नॉट हेल्पिंग यू इंडियंस आर नॉट योर फ्रेंड्स वी आर योर फ्रेंड्स हम लोग आपके दोस्त हैं तो तो ये कुछ एक क्या कह सकते हैं प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू पर फिर भी हम लोग श्रीलंका को, श्री को काफ़ी हेल्प करते हैं श्रीलंका इस साल काफ़ी न्यूज़ में है तो श्रीलंका से जुड़ी हर न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये भी एक न्यूज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है क्लियर है चलिए शिवानी सिंह जी सर द एंटायर न्यू न्यूज़ पेपर इज़ इट नेसेसरी टू रीड नो 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 यू डोंट हैव टू रीड द कम्पलीट न्यूज़ पेपर यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी न्यूज़ लेते हैं और कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ होती है कि उस दिन उनके अंदर नोट्स नहीं बन सकते बट वो एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी का पार्ट हैं तो उस न्यूज़ को पढ़ना ठीक रहता है अगर कोई आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं जैसे ये वाली न्यूज़ है श्रीलंका न्यूज़ के अंदर काफ़ी है श्रीलंकन क्राइसिस इंडिया श्रीलंका रिलेशन चाइना श्रीलंका रिलेशन वांग यांग शिप जो है हमने काफ़ी सारी एड भेजी है तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कंप्लीटली एक बड़ा डोमेन है तो आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो एड को लेके नहीं आएगा आपके पास क्वेश्चन आएगा तो श्रीलंका श्रीलंकन क्राइसिस को लेके आएगा तो श्रीलंकन क्राइसिस से कहीं ना कहीं चाइना भी जुड़ा है इंडिया भी जुड़ा है और इंडिया की तरफ से जो एड गई है हमटोटा पोर्ट भी है ये सारी चीजें जुड़ी है तो डेली जो न्यूज आ रही है ना सबको कलेक्ट करते जाएंगे अपने बास्केट को भरते जाएंगे और लास्ट में श्रीलंकन क्राइसिस से रिलेटेड हमारे पास में साठ सत्तर न्यूज होगी साठ सत्तर फैक्ट्स होंगे जिसमें से किन्हीं पांच फैक्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्लैट कंसोर्टियम पूछ लेगा तो पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है इनफैक्ट आज का जो न्यूज़पेपर है 22 पेज का है जिसमें छह पेज, पेज तो सिर्फ एड हैं उसके अलावा स्पोर्ट्स हम छोड़ देते हैं तो दो पेज वहां चला गया ठीक है छह पहले कंप्लीट कम हुए तो सोलह पेज दो और कम हो गए तो और कम फिर बीच में हम लोग देखते हैं तो क्लासिफाइड्स भी हैं तो पढ़ने के लिए हमारे पास में दस बारह पेज ही बचते हैं जिसके अंदर रीजनल हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है एडिटोरियल जो है यहां पे हम डिस्कस नहीं कर, करते हैं पर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एडिटोरियल ओपिनियन बेस्ड होता है आपके लिए आपकी रीडिंग के लिए एडिटोरियल जो है वो ज्यादा जरूरी है ठीक है चलिए हमन टोटा पोर्ट जो है कंट्रोल अंडर चाइना कंट्रोल नहीं कह सकते वो लीज में है चालीस साल के लिए चाइना के पास में लीज में है चाइना ने पे कर रखा है रेंट दे रखा है उसका ठीक है भारत से फायदा उठाता है लंका ऑब्वियस सी बात है सर पुडुचेरी की भी कोई पुलिस है क्या पुडुचेरी की पुलिस जो है वो बिल्कुल क्या कहते हैं है ही उसके पास में स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया नीतीश जी क्लैट के अंदर स्पोर्ट्स रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया है पर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर हमने अच्छा परफॉर्म किया तो पढ़ के रखना जरूरी है मान लेते हैं कि क्लैट के अंदर नहीं आए पर कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है क्वेश्चन जो है बाकी एग्जाम्स के अंदर तो आ ही सकते हैं ठीक है थीके? या फिर दुरंध कप है उसके अंदर काफी सारे चेंजेस हुए हैं इस बार चलिए अब देखिए एक यहां पे ना स्पीड किल्स मतलब रोड एक्सीडेंट के बारे में बात हुई है तो इस वाले फोटो को छोड़ते हैं इस डेटा पे आते हैं डेटा क्या, है? डेटा क्या बात करता है डेटा क्या बात करता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर आप लेजर चार्ट देखते हैं तो 4.5 से 5 लाख का यहां पे है तो 2016 के अंदर इतनी इतनी डेथ हो रही है लाल वाली लाइन जो है ये इंजर्ड की बात कर रहा है रोड एक्सीडेंट जो है ब्लू और डेथ जो है येलो तो डेथ जो है 1.6 लाख हो रही है 2020 के अंदर ये बढ़ती जा रही है बीच में 2020 में कम हुई थी क्यों कम हुई थी कोविड के कारण कोविड लॉकडाउन था तो उस टाइम रोड पर लोग कम निकल रहे थे इसलिए क्या हो रही थी डेथ कम हो रही थी अब ये वापस राइज कर रही है ये डेथ है ये एक्सीडेंट है और ये इंजरीज हैं ये सब राइज कर रही हैं 1.2 पॉइंट इंजरीज हैं 1.4 पॉइंट रोड एक्सीडेंट है और 1.6 पॉइंट रोड पे डेथ हैं ठीक है अगर स्टेट वाइज की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आसाम के अंदर तीन हजार चौदह डेथ्स चौदह हुई है डेथ्स ठीक है उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा इक्कीस हजार सात सौ बानवे ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड टू डेथ्स हुई हैं आंध्र प्रदेश के अंदर एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्स तमिलनाडु देखिए बहुत ज़्यादा फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर महाराष्ट्र के अंदर थर्टीन थाउजेंड एंड नाइन हंड्रेड तो ये डेटा हमारे पास में आता है अगर हम लोग बात करते हैं ग्राफ की तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे से दिया गया है शेयर ऑफ रोड एक्सीडेंट डेथ्स बाई एज चौदह साल से कम के बच्चे हैं वो बहुत कम चौदह से अट्ठारह साल के जो बच्चे हैं बच्चे क्या टीन एजर्स हैं जो आपकी एज है अभी प्रेजेंटली uh, इसमें सेवन परसेंट लोगों की डेथ होती है अट्ठारह से तीस एटीन टू थर्टी के अंदर थर्टी वन एंड थर्टीन टू फोर्टी फाइव के अंदर थर्टी टू लगभग बराबर ही एटीन टू फोर्टी फाइव के अंदर ना सिक्सटी थ्री परसेंट लोगों की डेथ होती है तो इसका मतलब जवान लोग जो हैं वो ओवर स्पीड करते हैं स्पीड थ्रिल्स बट किल्स आपने पढ़ा होगा कई बार 45 से 60 के बीच में 19 परसेंट और 60 से ऊपर के 8 परसेंट लोगों की डेथ हुई है जिसमें मेल थे 84 परसेंट और फीमेल थी 16 परसेंट तो लड़कों थोड़ा सा अच्छे से गाड़ी चलाओ इतनी भी अच्छी सड़क आपके पास में नहीं है हमारा भारत बदल रहा है हमारा देश बदल रहा है पर इतनी भी अच्छी सड़कें आपकी नहीं है कि आप एकदम सेफ रहें देख रहे हैं आपके सामने डेटा है अच्छे से अपने को प्रोटेक्ट करके चलें ओवर स्पीडिंग के कारण फिफ्टी लोगों की डेथ हुई है ओवर स्पीडिंग के कारण केयरलेस ड्राइविंग के कारण 28 परसेंट लोगों की ड्रग एल्कोहल इन्फ्लुएंस दो परसेंट ही है और पुअर वेदर जो है फोर परसेंट ही है मैकेनिकल डिफेक्ट एक परसेंट ही है और अदर्स में आएगा टेन परसेंट तो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं ओवर स्पीडिंग और केयरलेस ड्राइविंग से हो रहा है तो अच्छे से चलाएं लहरिया मत चलाएं जब भी आप बाइक वगैरह लेके जाते हैं तो अच्छे से चलाएं क्लियर है चलिए आगे चलते हैं एक्सप्लेन चैलेंजिंग द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनर आज आया है और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो एक्सप्लेनर आया ये मुझे बहुत पसंद आया क्यों पसंद आया क्योंकि इसके अंदर कोई जजमेंट आया नहीं है बट स्टिल कोई चीज चैलेंज की जा रही है और जब मैंने भी पर्सनल लॉ पढ़ा था अपना लॉ स्कूल के अंदर उस टाइम मेरे भी दिमाग में ये चीज आई थी मुझे ये लगता था कि पहले मैं आपको बता देता हूं चीज क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो लोग मैरिज करते हैं या तो इंटर कास्ट करें या फिर इंटरफेथ मैरिजेज करें दो रिलीजन के लोग या दो कास्ट के लोग अगर आपस में मैरिज करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट से डील होता है इस केस के अंदर क्या हुआ पर्टिकुलर केस के अंदर जो आपका मैरिज एक्ट है वो ये कहता है कि आपको तीस दिन का थर्टी डेज का नोटिस देना होगा क्या देना होगा थर्टी डेज का नोटिस देना होगा मैरिज रजिस्ट्रार के पास में किसके पास में मैरिज रजिस्ट्रार के पास में और इस नोटिस पीरियड में आप बताएंगे अपनी विलिंगनेस विलिंगनेस मैरी अब तीस दिन पहले क्यों लिखा जाएगा ताकि मैरिज रजिस्ट्रार जो है इसे ओपन फॉर ऑब्जेक्शन कर दे ओपन फॉर ऑब्जेक्शन कर दे कि देखो भाई अगर किसी और को ऑब्जेक्शन है इस शादी से तो वो आके बात कर सकता है अगर कोई ऑब्जेक्शन रजिस्टर करेगा तो फिर मैजिट रजिस्ट्रार इंक्वायरी आगे करेगा और शादी नहीं होगी इस केस में क्या होता है जब थर्टी डेज का नोटिस पीरियड देना होता है ना तो इंडियन सोसाइटी की अगर आप आप लोग बात करें आप लोगों ने खाप वगैरह का नाम सुना होगा जो हरियाणा के अंदर काफी फेमस है वेस्टर्न यूपी में भी काफी फेमस है खाप जो है एक तरह की पंचायत होती है जहां पे ऑनर किलिंग के काफी सारे केसेस जो हैं वो सुनने को मिलते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है जब इंटरफेस होती हैं इंटर रिलीजन हैं इंटर कास्ट मैरिजेस होती हैं है, उस टाइम में अगर किसी को पता पड़ जाए तो लड़का लड़की जो है उनकी जान तक को खतरा होता है और उनकी प्राइवेसी तो कहीं रहती नहीं है क्यों क्योंकि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ओपन कर दिया जाता है कि देखो ये लड़का है ये लड़की है शादी करने वाले हैं किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आ जाओ अरे जब दो कंसेंटिंग एडल्ट हैं आपस में शादी करना चाहते हैं तो क्यों फालतू का तीस दिन का क्लॉज लगाना यहाँ पे आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक तरफ तो आप कहते हैं राइट टू प्राइवेसी है आपका फंडामेंटल राइट right है राइट टू लाइफ के अंदर के पुट्टू स्वामी केस के अंदर राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट right बना दिया गया और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए आपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिट किया वो तीस दिन तक आपकी बाजार में रहेगी जिस जिसको देखना है वो देख ले ऑब्जेक्शन करना है तो कर ले और इसके अंदर जान का भी खतरा रहता है काफी लोग भाग के भी शादी करते हैं तो वही सारी चीज यहां पे डील की गई है तो पहले जो पिटिशनर थे यहाँ पे फर्स्ट पिटिशनर्स हैं उनकी जो स्पेशल मैरिज एक्ट की जो पिटिशन थी उसे डिसमिस कर दी गई क्यों डिसमिस कर दी गई क्योंकि जब इन्हें पहले तीस दिन का नोटिस देने के लिए कहा ना तो इन्होंने तीस दिन का नोटिस दिया और साथ ही साथ पिटिशन भी डाली कि तीस दिन का नोटिस क्यों देना पड़ता है यह तो हमारे आर्टिकल फोर्टीन और आर्टिकल ट्वेंटी वन का इन्फ्रिंजमेंट है ट्वेंटी वन के अंदर राइट टू लाइफ है राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू प्राइवेसी आता है और राइट टू प्राइवेसी यहां पे इन्फ्रिंज हो रही है 14, 15 के अंदर क्या होता है राइट टू इक्वलिटी होती है तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है तो ऐसे केस के अंदर और जब केस डिसाइड होने लगा तब तक इनकी शादी हो गई थी तो, तो कोर्ट बोलती है कि देखो भाई अब तो तुम्हारी शादी हो गई है हां यह पिटिशन में डिसमिस कर रहा हूं क्योंकि अब तुम्हारा कोई लोकस स्टैंड नहीं बनता है अब तुम्हारा इसमें कुछ कहना नहीं बनता है पर वापस से जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसे देखने की जरूरत है ठीक है वापस से स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर यह जो क्लॉज है यह थर्टी डेज वाले जो क्लॉज है यह देखने की जरूरत है और यहां पे सेक्शन सिक्स टू टेन जो है वापस से आप क्या करें वापस से आप रिव्यू करें सेक्शन सिक्स टू टेन आपको सेक्शंस वगैरह याद करने की जरूरत नहीं ये कॉन्सेप्ट एक बार आप देख लीजिए यही चीज़ जो है अब यहां पे ये कहा हाउ डू दीज प्रोविजन्स मेक कपल वॉलनरेबल वॉलनरेबल कैसे होते हैं उनकी सारी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होती है काफी बार क्या होता है ना एक अथीरा का केस है यहाँ पे अथीरा के केस में क्या हुआ अथीरा की सारी इंफॉर्मेशन ले ली मॉरल uh, पुलिसिंग वालों ने और उसके बाद में सोशल मीडिया पे नंबर वगैरह शेयर कर दिया बोला कि देखो भाई इस लड़की को कोई जानता है तो इसके माँ बाप तक इस बात को पहुंचाओ और बताओ उन्हें कि ये शादी करने वाली है अगर ये शादी कर लेगी मतलब करना चाहती है घर से पूछ के शादी कर रही है ना कहीं भाग के तो शादी नहीं कर रही है तो उसकी तो प्राइवेसी इंफ्लुएंस हो गई लड़की किससे शादी करना चाह रही है लड़का किससे शादी करना चाह रहा है ये तो प्राइवेसी का मैटर है ये हमारा पर्सनल मैटर है इसे पब्लिक क्यों करना तो इसके ऊपर चैलेंज वगैरह हो जाता है इंटरफेथ क्या है दो अलग अलग रिलीजन के दो अलग अलग फेथ के लोग अगर आपस में शादी करते हैं तो इंटरफेथ होता है जैसे हिंदू और मुस्लिम अगर शादी करते हैं तो वो इंटरफेथ कहलाएगा लाएगा अंजलि जी नीतीश जी सर इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिज में कौन बेहतर है सब बेहतर है प्रेम होना चाहिए शादी अच्छी हो जाएगी हाँ सर एन डेटा कितना इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक डेटा आपको याद नहीं करना है जो सर्फेस लेवल का जो मेजर डेटा है जो रैंक्स वगैरह है वो आपको याद करनी होगी हेलो सर वर्ल्ड मैप पढ़ना होगा नहीं मैप वगैरह नहीं पूछा जाता है डायरेक्टली वो यू वगैरह के अंदर पढ़ना होता है चेक करना पड़ेगा सूरज जी एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे ठीक है बिल्कुल अंजलि जी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है ठीक है हाँ बिल्कुल टू डिफरेंट फेथ फेथ यहाँ पे रिलीजन होता है ठीक है तो यही चीज यहाँ पे दी गई है एक बार आप जरूर पढ़ें ये यह यहाँ पे अथीरा का वाला केस जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो यहाँ पे दिया गया है और बाकी कौन कौन से प्रोविजंस हैं जिनके ऊपर दिक्कत आ रही है वो भी यहाँ पे दी गई है कौन प्लेस पे चस्पा करना है पेस्ट करना है सारी इंफॉर्मेशन को रजिस्ट्रार के पास में ओपन रहेगी तो ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत दिक्कत वाली है चलिए अगर हाँ हमें से कोई क्लैट पी की तैयारी कर रहा है ना तो ये यहां पे जो केसेस वगैरह दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट केसेस अगर क्लैट पीजी की पोस्ट ग्रेजुएट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजी वाले बच्चों के लिए मैं केसेस वगैरह ज्यादा नहीं बताता हूं हाँ, ये है मतलब इतनी बड़ी न्यूज देख के डर मत जाइएगा ये छोटी सी न्यूज है क्या है चाइना क्लेम्स ऑन अरुणाचल प्रदेश आउटरेजियस ये हमारे जर्मन एनवॉय हैं फिलिप एकरमैन फिलिप एकरमैन जर्मन एनवॉय है जर्मन एनवॉय टू इंडिया इन्होंने स्टेटमेंट दी है तो जर्मन एनवॉय अगर स्टेटमेंट दे रहा है तो माना जाएगा कि जर्मनी की तरफ से आया है जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आया है इन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया और बोला कि चाइना जो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है ना यह गलत है ये ठीक वैसा ही है जैसे रशिया जो है वो यूक्रेन को क्लेम करता है क्रीमिया को ले जाता है तो इंडिया को एक तरह से इन्होंने सपोर्ट किया इनका नाम इंपॉर्टेंट है और जर्मन एनवॉय है एम्बेसडर है ये यहां पे देखना जरूरी है नाम आपके लिए अगर ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी एच आई डबल एल आई पी एकरमैन ए सी के ई आर एम ए एन ये आपका नाम है ठीक है स्ट्रेटजी फॉर स्टेटिक जीके स्टैटिक जीके के लिए देखिए क्लाइट के अंदर तो कुछ ऐसा है नहीं बाकी कोई भी आप एक छोटी बुक ले लीजिए उसे पढ़िए डेली रिवीजन बहुत ज़्यादा करना होगा और थोड़ा सा काम जो है वो बढ़ जाएगा आपका ठीक है शशांक जी सर फिर इंटरकास्ट और इंटरफेस ठीक है हम लोगों ने चेक कर लिया नेक्स्ट चेन्नई एयरपोर्ट बिकम्स फिफ्थ बिजिएस्ट इन कंट्री चेन्नई एयरपोर्ट जो है ना वो सब पांचवें नंबर पे बिजिएस्ट है तो इसको एक बार छोड़ देते हैं डायरेक्ट आते हैं हम लोग अपने डेटा के ऊपर फिफ्थ बिजिएस्ट है तो पहले चार भी कोई होगा पहले नंबर पे है न्यू दिल्ली का आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे नंबर पे है मुंबई का एयरपोर्ट तीसरे नंबर पे बेंगलुरु का एयरपोर्ट चौथे नंबर पे हैदराबाद का पांचवें नंबर पे कौन आ गया है चेन्नई आ गया है ठीक है और चेन्नई किसको पार करके आया है कोलकाता को पार करके आया है पहले छठे नंबर पे था कोलकाता पांचवें नंबर पे था अब कोलकाता पांच नंबर पे हो गया और चेन्नई जो है ज्यादा बिजी हो गया है तो यही यहां पे डेटा दिया गया है डेटा आपको एकदम एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है नंबर याद कर लीजिए पहले नंबर पे न्यू दिल्ली दूसरे नंबर पे मुंबई तीसरे नंबर पे बेंगलुरु चौथे नंबर पे हैदराबाद पांचों नंबर पे चेन्नई आ गया है किसको रिप्लेस करके आया है तो जो अभी छठे नंबर पे है कोलकाता उसे रिप्लेस करके आया है फर्स्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्कुल एन मींस रिप्रेजेंटेटिव या फिर डिप्लोमैट ठीक है चलिए लूसेंट अच्छा रहेगा थोड़ा मोटा है थोड़ी और पतली कोई किताब वगैरह हो तो वो आ, कोई भी आप जाइए किसी भी बुक स्टोर पे वहां पे जीके की दो चार किताबें देखिए उसमें जो पतली सी हो जो छोटी सी हो वो ले सकते हैं ठीक है इंग्लिश okay. क्वेश्चन होता है या ऑल सब्जेक्ट आइडिया नहीं है बच्चे आइडिया नहीं है इकोनॉमिस्ट अभिजीत सेन जो है इनकी डेथ हो गई है तो ये ऑबिचुरीज के अंदर आएगा पर्सन इन न्यूज के अंदर आएगा तो एक मार्क का क्वेश्चन है अभिजीत सेन कौन थे जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा वहां पे ये प्रोफेसर भी थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है वहां पे ये प्रोफेसर भी थे इकोनॉमिक्स वगैरह जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे उसके अलावा ये थिंकर और पॉलिटिशियन भी थे पॉलिटिशियन भी थे ठीक है तो इनको याद रखना है आपको एक बार इनके बारे में पढ़ लीजिएगा सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है अगर पहले इससे पहले आपने नाम ना सुना हो बाकी अभिजीत सेन अगर कोई बहुत टाइम से अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है 2015-16 के टाइम से पढ़ रहा है तो अभिजीत सेन जो है वो पता होगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं प्रभाष जी एक एक मैसेज किया करिए प्रभाष जी कोई एक मैसेज बहुत अनोइंग है आपके काफी सारे मैसेज आते हैं ना और बाकी बच्चों के जो मैसेज हैं वो ऊपर चले जाते हैं कमेंट्स जो हैं ऊपर चले जाते हैं मैप इंपॉर्टेंट नहीं है दो बार पहले भी बता दिया है मैप बिल्कुल भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है मैप बेस्ड क्वेश्चन क्लैट के अंदर नहीं आते हैं पर कौन सी चीज कहां पे सिचुएटेड है ये जरूर पता होना चाहिए ठीक है चलिए शाह फैजल पोस्टेड टू कल्चरल मिनिस्ट्री शाह फैजल कौन है ये जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया था पहले क्या दिया रेजिग्नेशन दिया रेजिग्नेशन देने के बाद में इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की पॉलिटिक्स की कहां की जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की पर जब ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए गए तो 2019 के अंदर आर्टिकल 370 हटा दिया गया इनका पॉलिटिकल करियर में आग लग गई फिर उसके बाद में इन्होंने री होने के लिए रीइंस्टेट होने के लिए होने के लिए एप्लीकेशन डाली कि मैंने जो ये रेजिग्नेशन दिया था इसे कैंसिल कर दिया जाए तो फिर रीइेंट होने के लिए जब एप्लीकेशन डाली तो रेजिग्नेशन कैंसिल कर दिया गया है और प्रेजेंटली इन्हें पोस्ट किया गया है कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर क्लियर है पूरी जर्नी आपको समझ में आई ये क्या थे आई ए एस अभी भी हैं खैर ये आई एस थे इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए रेजिग्नेशन डाला पॉलिटिक्स में जैसे ही गए जम्मू एंड कश्मीर की वहां पे 2019 में आर्टिकल थ्री सेवेंटी हट गया पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं रही इनका पॉलिटिकल करियर तबाह इन्होंने री इंस्टेट होने के लिए एप्लीकेशन डाली रेजिग्नेशन वापस से इनका रिवोक कर दिया गया अभी इन्हें वापस से कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर रख लिया गया है यह है खूबसूरती एक डेमोक्रेसी की ठीक है गुड मॉर्निंग प्रशांत जी क्वाइट लेट क्वाइट लेट काफी लेट हो गए चलिए शाह फैजल जी के बारे में जान लिया शॉर्ट में अब आगे देखिए मोदी तो अनवील न्यू नेवल एनसाइन एट विक्रांत इवेंट हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि सेकेंड सेप्टेंबर को सेकेंड सेप्टेंबर को ना आई एन एस विक्रांत आई एन एस विक्रांत यह क्या है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है एयरक्राफ्ट कैरियर है ठीक है एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब नेवल शिप ही है यह ऐसी शिप होती है छोड़िए ज्यादा गोल हो गई ये ये कुछ ऐसी शिप होती है और यहाँ पे के वो हवाई जहाज उड़ने के लिए पट्टी भी बनी रहती है ठीक है ये कुछ ऐसी ऐसी टाइप की सी शिप रहती है तो ये हवाई जहाज उड़ने के लिए पट्टी बनी रहती है तो आई विक्रांत है ये अब विक्रांत जब अनवील किया जाएगा ना तो जो नेवल का नेवी का झंडा है फ्लैग है इंडियन नेवी का जो फ्लैग है उसको चेंज किया जाएगा क्यों चेंज किया जाएगा हाँ। क्योंकि ये जो फ्लैग है ना अभी वो कुछ इस टाइप से है अंग्रेजों के टाइम से इनफैक्ट जो है और यहां पे भारत का झंडा बना हुआ है यहां पे अशोक स्तंभ है यहां पे भारत का झंडा है और कुछ इस टाइप से है ये रेड कलर की स्ट्रिप है ये क्या है रेड कलर की स्ट्रिप है रेड क्रेसेंट है ठीक है ये माना जा रहा है कि अंग्रेजों की याद दिलाता है किसकी याद हमारी कॉलोनियल एरा की याद दिलाता है मोदी जी ने अपने पंच प्रण के अंदर कहा था क्या कहा था कि ऐसी हर चीज को हम एलिमिनेट कर देंगे जो कि हमें याद दिलाएगा हमारे कॉलोनियल एरा की तो इस फ्लैग फ्लैग को ही क्या कहा जाता है एनसाइन एनसाइन क्या होता है वैसे फ्लैग है ठीक है याद रखेंगे एनसाइन क्या है फ्लैग है इस फ्लैग को चेंज किया जाएगा आईएनएस विक्रांत को जब सेकंड सेप्टेंबर को अनवील किया जाएगा साढ़े नौ बजे सुबह हाँ एट नाइन थर्टी ए एम सेकेंड सेप्टेंबर को कौन करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे कौन करेंगे पी एम मोदी क्लियर है दो तारीख को वापस ये न्यूज बनेगी अब नया झंडा कैसा दिखता है ये किसी को भी नहीं पता मतलब किसी को तो पता होगा ही ऑब्वियसली पर हम लोगों को आम जनता को नहीं पता सेकंड को हम लोगों को दो सितंबर को हम लोगों को पता पड़ेगा ठीक है कोचिंग शिफ्ट यार्ड बहुत बढ़िया हाँ जी हाँ जी सेंटर में सेंटर में बच्चे सोलोमन आइलैंड सस्पेंड्स ऑल विजिट फ्रॉम फॉरेन नेवीज़ फॉरेन नेवीज़ से सारी विजिट को सस्पेंड कर दिया है देखना होगा सोलोमन आइलैंड कहाँ है ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है ठीक है सॉरी नीचे से ज़्यादा वो हो गया ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे न्यूजीलैंड वगैरह है तो यहाँ पे एक मतलब छोटे छोटे आइलैंड का एक ग्रुप है तो यही क्या है सोलोमन आइलैंड अभी एक डेढ़ महीने पहले ना पार्टनर्स इन पैसिफिक ब्लू क्या नाम था पार्टनर्स इन पैसिफिक ब्लू पार्टनर्स पी पी बी इस नाम का एक इनफॉर्मल संगठन एक ग्रुप बनाया गया जिसके अंदर चाइना को काउंटर किया जा रहा था चाइना को काउंटर करने की कोशिश हुई थी ये ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जापान यूएस वगैरह ये सब मिलके ना एक ग्रुप बना रहे थे क्यों क्योंकि चाइना को काउंटर करें पर चाइना ने क्या किया सोलोमन आइलैंड को अपने साइड कर लिया है डेड ट्रैप में फंसाया होगा ऑब्वियसली बात है सोलोमन आइलैंड को अपने साथ में कर लिया है अब सोलोमन आइलैंड जो है यूएस वगैरह के शिप्स को डॉक करने नहीं देती है जब डॉक करने नहीं देती है और इसने अब सारे के सारी ऑल विजिट्स फ्रॉम फॉरेन नेवीज जो है वो सस्पेंड कर दी है क्यों क्योंकि यूएस के नेवी ने मांगा इनसे खड़े होने का परमिशन कि हम लाते हैं जैसे व्यांग, व्यांग आया था कि हम आएंगे तेल वेल भराएंगे थोड़ा मरम्मत माटी करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे सोलोमन आइलैंड ने सबको मना कर दिया है ठीक है किसके इन्फ्लुएंस में किया है ऑब्बियसली बात है चाइना के इन्फ्लुएंस में किया है सोलोमन आइलैंड न्यूज में है याद रहे पैसिफिक ओशन के अंदर ये है ठीक है इसी से रिलेटेड है पार्टनर्स इन पैसिफिक ब्लू तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ें तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई याद रहेगा इसे अच्छे से पढ़ें और बैकग्राउंड में आपको पार्टनर्स इन पैसिफिक ब्लू याद रहना चाहिए क्लियर है कोई दिक्कत नहीं अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन हमारे अभी हाँ टाइम है हमारे पास में रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट इन अगस्त 2022 कौन से स्टेट ने कौन से स्टेट ने चलाया है रथ स्कूल ऑन व्हील्स विधारथ है ये विधारथ किसने चलाया है अगस्त 2022 रथ स्कूल्स ऑन व्हील किसने चलाया है विधारथ है ये विधारथ ये शायद पहले पूछ चुके हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए मैप पढ़ना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए चलिए आ जाइए सब लोग बताइए फटाफट क्या आंसर रहेगा विधा रथ किसने चलाया है स्कूल ऑन व्हील्स अभिनंदन कुमार जी हिमाचल प्रदेश ये क्वेश्चन देखा हुआ है हम लोगों ने अंजलि जी बी मतलब ये पूछ रही हैं अंजलि जी बी चलिए देखते हैं अमन जी डी हिमाचल प्रदेश अनुसिंह जी ए मेघालय बाबुल जी बी चलिए सबके आंसर मतलब ए भी आ गया है बी भी आ गया डी भी आ गया है सी नहीं आया अभी तक उत्तराखंड सी नहीं आया है और सी वैसा खैर देखते हैं प्रवास जी का आंसर आया बी शिवांगी जी का आंसर आया डी देखिए ये लाया है आसाम विधारथ कौन लेके आया है आसान स्कूल ऑन व्हील्स शायद किसी ने बच्चे ने पूछा भी था कि ऐसा कुछ उत्कर्ष भी लेके आया है तो उत्कर्ष क्या लेके आया है शिक्षा रथ लेके आया है. ये विधारथ है ठीक है मनन जी डी गौतम जी डी चलिए आसाम इज द राइट आंसर नेक्स्ट देखिए इन ऑगस्ट 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द सेकेंड फेज ऑफ ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट इट इज नॉट बींग इंप्लीमेंटेड कौन से स्टेट के अंदर यह इंप्लीमेंट नहीं होगा बताइए भाई सूरज जी बिल्कुल भी ठीक है नए वाले का देखिए ये क्वेश्चंस करवाए गए हैं हाँ जी हेमंत सोरेन हेमंत सॉरी हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो सीएम हैं ये बताइए भाई सेकंड फेज जो है उद्यमी प्रोजेक्ट का ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट का ये कहाँ पे नहीं होगा कृष्णा जी का आंसर आया बी प्रभास जी का आंसर आया सी बहुत बढ़िया और बाकी बच्चे बाकी बच्चे चलिए इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज जो है वो नहीं चलाया जाएगा करवाए हुए क्वेश्चन है बच्चों करवाए हुए क्वेश्चन है प्लीज ध्यान दीजिए विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बिन नेम्ड आफ्टर शहीद भगत सिंह इन ऑगस्ट 2022 अगस्त 2022 के अंदर शहीद भगत सिंह के नाम पे कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है ये तो सब आंसर देंगे चलिए गौतम जी का आंसर आया डी सूरज जी का आंसर आया सी सूरज जी इसका आंसर है क्या अंजलि जी डी प्रभास जी योगीराज अभिनंदन जी डी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला बताइए इंटरनेशनल एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह जी के नाम पे कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है प्रभास जी डी अभिनंदन जी चंडीगढ़ इंटरनेशनल अनुसिंह जी डी शिवांगी जी डी कृष्णा जी डी मानवी जी डी बाबुल जी बी बाबुल जी गौतम जी डी मनन जी डी बाकी लोग सूरज जी सूरज जी का आंसर आ गया डी नीतीश जी डी राहुल जी डी बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया प्रभाष जी डी सबका आंसर एकदम सही है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह जी के नाम पे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं माफ करता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रहना चाहिए कृष्णा जी डी बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू यूज ब्लॉक चेन सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स इन ऑगस्ट टू अगस्त 2022 के अंदर ब्लॉकचेन सिस्टम का यूज किया जाएगा ताकि बीज बांट सके फार्मर्स को किसने ये किया है पंजाब झारखंड छत्तीसगढ़ या हरियाणा आज मजा आ गया चलिए बहुत बढ़िया बिल्कुल अमन जी डी कृष्णा जी डी इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए ये ब्लॉकचेन सिस्टम ना बीज बांटने के लिए कौन सा स्टेट यूज करेगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है फार्मर्स को जो सीड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज की जाएगी कौन सा स्टेट कर रहा है पहले कर चुके इन क्वेश्चन को ध्यान रखें इन ऐसे क्वेश्चंस को तो बिल्कुल आप गलत करिए ही मत जो पहले कर चुके हैं ये बहुत गलत मैसेज पहुंचता है मुझ तक भी गलत मैसेज आता है और ये ऐसे भी मतलब ये खराब चीज़ है जो क्वेश्चन कर चुके हैं उन चीज़ों को तो नहीं छोड़ना है एस शिवांगी जी अच्छा ए कहना चाह रही हूँ पंजाब झारखंड छत्तीसगढ़ हरियाणा ए ए सबका ए ना 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 ए नहीं है इट्स सी छत्तीसगढ़ आंसर क्या है छत्तीसगढ़ या तो डेली सेशन क्लास नहीं करते हैं ठीक है देखिए क्लास करिए बच्चों डेली क्लास करिए थोड़ा सा मुझे पता है पेन होता है पढ़ाई वाली चीज जैसे एक घंटे की अगर मूवी हो तो बड़ी आसानी से निकल जाती है एक घंटे की क्लास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है मुझे पता है मैं खुद मानता हूँ इसलिए नहीं कि व्यूज आएंगे या क्या होगा आप लोग अच्छे से पढ़ें न्यूज़पेपर फ्री की चीज़ है ये सेम चीज़ है ना अगर आप दिल्ली चले जाते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है दिल्ली के अंदर कोचिंग्स के अंदर यूपीएससी कोचिंग्स के अंदर 20 20 25 पच्चीस हज़ार रुपए जो हैं बच्चे डेली के दे रहे हैं ताकि आज के करंट अफेयर्स का न्यूज़ का एनालिसिस होगा और घर जाके पढ़ना खुद ही पड़ता है न्यूज़ के अंदर बता देते हैं एक घंटे का होता है ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो ये इस पेपर में आएगा ये जी एस में आएगा ये जी एस में आएगा इतना बताते हैं और बच्चे घर जाके पढ़ लेते हैं बीस बाईस हज़ार का करंट अफेयर्स का कोर्स होता है आपको एकदम फ्री में मिल रहा है और क्वालिटी मेंटेन करके मिल रहा है क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है ठीक है गैप हुआ था चलिए नेक्स्ट देखिए व्हेन वाज द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड सीनियर सिटीजन सिटीजन डे कब मनाया जाता है सीनियर सिटीजन डे चलिए ये वाला तो मैं मान सकता हूं कि ये डेट है आपको याद नहीं होगा तो ट्वेंटी फर्स्ट को मनाया जाता है ठीक है अब इस वाले का आप आंसर दीजिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैजनाउंस टू सेटअप रूरल लाइवलीहुड पार्क रूरल लाइवलीहुड पार्क यहां पे मतलब रोजगार वगैरह जनरेट होगा रूरल लाइवलीहुड पार्क किस स्टेट के अंदर है टाइम थोड़ा सा बीत रहा है जल्दी से देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर किसमें है छत्तीसगढ़ के अंदर क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल इस वाले का सी होगा ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट सबका सी आ रहा है बहुत बढ़िया और इसका आंसर है रूरल लाइवलीहुड पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ में है अब ये जो क्वेश्चन हमने पूछा था ना वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन रतन टाटा ने अनाउंस किया है कि एक किसी कंपनी के अंदर स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे जो कि सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी सीनियर सिटीजन को ये सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन डे के ऊपर ही अनाउंस किया था तो इसमें से कौन सा स्टार्टअप है स्टार्टअप का नाम क्या है ओल्ड एज गुड फेलोज गुड गुड ओल्डी गुडी ओल्डी स्टार्टअप का नाम क्या है एबीसीडी बताइए स्टार्टअप का नाम क्या है रतन टाटा साहब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई अच्छी अच्छा ही स्टार्टअप होगा और रतन टाटा साहब अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है चलिए आंसर आने चालू हो अंजलि जी बी सूरज जी बी अभिनंदन जी बी कृष्णा जी बी प्रभाष जी सी अनु सिंह जी बी चलिए बहुत बढ़िया मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर है गुड फेलोज इज दी राइट आंसर गुड फेलोज जो है वो राइट right आंसर है ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही आई होप आपको आज के सारे न्यूज समझ में आए होंगे समझ में आने के बाद भी एक बार तो बेटा खुद से रीड करना ही पड़ेगा एक बार तो आपको रीड करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है उससे आप नोट्स भी लेके आए ठीक है आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं हम लोग नई क्लास के अंदर गणेश चतुर्थी के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभनाए शुभकामनाएं उत्कर्ष लॉ एंड क्लैट क्लासेज की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे टीचर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाला साल आपका बहुत अच्छा हो गणेश जी आप पे कृपा बनाए रखें फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर तब तक अच्छे से खेलें कूदें पढ़ाई करें और अपनी तबीयत का ख्याल रखें